भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन धान समिति केंद्रों में। कोरिया जिले में समस्त धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के समय 15 फरवरी तक वृद्धि किया जाए एवं असमय बारिश एवं ओलावृष्टि से फसल नुकसान का मुआवजा शीघ्र प्रदान करने एवं अन्य मांगों को लेकर भाजपा अध्यक्ष श्री कृष्ण बिहारी जायसवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शैलू श्रीभरे, अनुपाल अनुराग दुबे की अगुवाई में बैकुंठपुर जाम पारा धान खरीदारी केंद्र में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन तहसीलदार बैकुंठपुर को सौंपा। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शिवहरे ने कहा, राज्य सरकार भू राजस्व संहिता की धारा 6-4 के तहत राज्य सरकार प्रभावित किसानों को मुआवजा दिए जाने की तत्काल घोषणा करे एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की क्षतिपूर्ति का आंकलन कराकर मुआवजा दिलाने का कार्य जल्द शुरू करे। धान खरीदी केंद्रों में किसानों को परेशान किया जा रहा है एवं कई अनियमितताएं सामने किसानों के आ रही है। जामपारा धान खरीदी केंद्र समिति प्रबंधक प्रभाकर सिंह के द्वारा बताया गया, जामपारा धान खरीदी केंद्र में 54,606 क्विंटल धान किसानों का खरीदी किया जा चुका है। धान उठाओ 48,320 क्विंटल धान परिवहन किया जा चुका है एवं अभी खरीदी 12,000 क्विंटल धान खरीदी 270 किसानों से खरीदी बाकी है। नियमित रूप से टोकन दिया जा रहा है किसानों को एवं खरीदी शासन के नियमानुसार केंद्रों में किया जा रहा है। जामपारा धान खरीदी केंद्र में नोडल अधिकारी आवश्यक निरीक्षण में करने पहुंचे, वहां नियमों के तहत खरीदी करते प्रबंधक के द्वारा पाया गया कोविड-19 मौका भी पालन किया जा रहा है। बारदाना की भी उपलब्धता पर्याप्त है किसानों को दिया जा रहा है। इस केंद्र में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई है, ये नोडल अधिकारी के द्वारा कहा गया। जनता पार्टी के द्वारा सभी धान समिति प्रबंधक केंद्रों के एरिया में धरना प्रदर्शन किया गया है एक दिन का, क्या कारण है? कारण यही है कि आज किसान छत्तीसगढ़ का बेहाल है, परेशान है कि जो विश्वास करके कांग्रेस के सरकार को उसने वोट दिया था, आज पूरे प्रदेश में किसान अपने धान को बेचने पर। हमारी सबसे पहली मांग यही है कि धान खरीदी का समय कम से कम 15 फरवरी तक बढ़ाया जाए। और जब भी ओलावृष्टि हुई थी, अतिवृष्टि पानी गिरा था, जिसके चलते किसानों के धान, उनकी फसलें बर्बाद हुई हैं, उनका जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। और जो सरकार पिछला 2 साल किसानों का जो बोनस है वो बोनस दिया जाए। और छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट किसानों के हित की बात करती है, किंतु सोसाइटियों का ही जामपारा धान समिति केंद्र में धान अभी तक कितनी खरीदी गई है? अभी तक जामपारा धान खरीदी केंद्र में 54,606 क्विंटल का खरीदी किया गया है, जिसमें से परिवहन हमारे द्वारा 48,320 क्विंटल का परिवहन करा दिया गया है। अभी कितनी खरीदारी बची हुई है भैया? लगभग लगभग अभी 12,000 क्विंटल खरीदी 270 किसानों से बाकी है। जो किसान अभी आ रहे हैं, पटवारी लोगों के द्वारा सत्यापन किया जा रहा है टोकन में, उनका धान हमारे द्वारा खरीदी किया जा रहा है। और मैं किसानों से भी अपील करूंगा कि जो भ्रामक जानकारी फैलाया जा रहा है, किसान अपने धानों को स्वेच्छा से समिति में आकर बेच सकते हैं। किसी प्रकार का दिक्कत हो, परेशानी हो, पटवारी साहब लोग हैं, आरआई साहब हैं, माननीय तहसीलदार साहब हैं, माननीय कलेक्टर साहब हैं, जानकारी ले सकते हैं और आसानी से धान को बेच सकते हैं। किसी के बहकावे बनाए, अपनी ऋण पुस्तिकाएं और खाता बिचौलियों। सर, आप जामपारा समिति प्रबंध धान समिति प्रबंधक केंद्र में पहुंचे हैं, यहाँ पे आप रूटीन चेकिंग के लिए आए हैं, क्या क्या मिला सर? जी, मैं व्यवस्था देखने आया था। यहाँ पर व्यवस्था अच्छी है और किसानों के लिए अच्छी सुविधाएं हैं, सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं, किसी को परेशानी नहीं आ रही है। आमतौर पर हमने सब देखा है, किसानों से भी बात की तो किसी को कोई परेशानी नहीं है ना। R9 भारत संभाग हेड अजीम अंसारी, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।